दीपावली के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को इस त्यौहार के लिए उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ ही ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज इस अभियान की शुरुआत की है। और क्योंकि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो मोदी जी का सपना पूरा होगा। मेरा इतना अनुरोध है प्रदेशवासियों से कि कोई भी सामग्री क्रय करें, हमारे स्थानीय जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे जो उत्पादन करते हैं, इन चीज़ों को बाज़ार तक ले जाने में जो परेशानी उठाते हैं, उन्हें लोकल स्तर पर ही लोग अपनाएं, खरीदें, क्योंकि स्थानीय पहचान बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे कारीगरों से छोटी छोटी चीज़ें क्रय करने के लिए, उनसे जब हम क्रय करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो उनकी दीपावली भी बहुत अच्छी तरह से मनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाना है, आज मैं पुनः पर दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत दीपावली के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को इस त्यौहार के लिए उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ ही ये भी आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज इस अभियान की शुरुआत की है। और क्योंकि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो मोदी जी का सपना पूरा होगा। मेरा इतना अनुरोध है प्रदेशवासियों से कि कोई भी सामग्री क्रय करें, हमारे स्थानीय जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे जो उत्पादन करते हैं, इन चीजों को बाजार तक ले जाने में जो परेशानी उठाते हैं, लोकल स्तर पर ही लोग अपनाएं, खरीदें, क्योंकि स्थानीय पहचान बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे कारीगरों से छोटी छोटी चीजें क्रय करने के लिए, उनसे जब हम क्रय करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो उनकी दीपावली भी बहुत अच्छी तरह से मनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाना है, आज मैं पुनः फिर दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।